इस बीच एक बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार चुने गए हैं बिहार एनडीए के नेता। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, बड़ी खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार एनडीए के नेता चुने गए हैं। वहीं इसके साथ ही बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं बिहार में। और सम्राट चौधरी सहित विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अपने पद की शपथ ली। जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, और अब ये 9वीं बार होगा कि अब वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे बिहार के। ध्यान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पत्रकार के लोगों के प्रति सम्मान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। उन्होंने राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और वहीं बिहार में अब 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं बिहार में। अब की तरह 2 डिप्टी सीएम भी यहां होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली है।